हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मूढ़ा में मुक्ता आकड़ी जाए ए रीतना मलाई पेड़ा अथवा तो दूध पेड़ा आज आप बनावीशू। ए पण मावा, कंडेंस मिल्क के मिल्क पाउडर ना उपयोग वगर, फक्त बेज वस्तु थी, दूध अने खाण थी। आ रक्षाबंधन पर आ पेड़ानी रेसिपी तमे जरूर थी ट्राई करजो। इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स अहीं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड करी छे, तो चलो फटाफट जोई लईए अने केवी रीते बनावाना। आ रेड बटन ऊपर क्लिक करो अने मारी चेनल हितस किचन एंड लाइफस्टाइल ने सब्सक्राइब करो यूट्यूब पर। एनी बाजू में रहेला आ बेल आइकॉन पर पण क्लिक करी दो, जेनाथी तमने मारी चेनल पर अपलोड थता नवा विडियोना नोटिफिकेशन मळता रहे। अहीं नॉनस्टिक पेन में मैं 3 कप्स मिल्क लीधू है, फूल फेटवाड़ू। कपना मापनी जगह तब 750 ml पर मिल्कन यूज कर सको। अहीं मैं नॉनस्टिक पेन यूज करो, एना बदला में तब हेवी बॉटमना कोईपण वसन यूज कर सको। तो आप मीडियम फ्लेम पर आम एक उभरो आए त्या सुधी एने पहला गरम करीशू। तेने आ रीतना कंटीन्यूस चलावता रहीशू एटले पेन में ये चौटी ना जाए। गैसनी फ्लेम ने अपने मीडियम ज राखीशू। तमे जोई सको छो दूध में उभरो आवानी तैयारी छे। आपणे आ रीतना एने कंटीन्यूस चलावता रहेवानुं छे अने गैसनी फ्लेम ने मीडियम राखवानी छे। आजूबाजू में पेननी साइड पर आज मलाईनो पार्ट चोटी गयो छे एने पण चमचानी मदद थी आपणे स्क्रेप करी लईशुं अने मिल्कनी अंदर एड करी देशुं। आपणे मीडियम फ्लेम उपर अने कंटीन्यूस चलावता रहेवानुं छे। दूधनी अंदरथी पाणीनो जे बधो भाग छे ते बळी ना जाय त्यां सुधी आपणे एने कंटीन्यूस हलावता रहेवानुं छे। तमे जोई सको छो दूध धीरे धीरे थीक थवा माँड्यू छे, तेमां पाणीनो पार्ट ओछो थवा माँड्यो छे। हजू पण आपणे कंटीन्यूअस तेने आ रीतना मीडियम फ्लेम उपर मिक्स करता रहीशुं। दूधनुं मिश्रण जे छे ते धीरे धीरे सरस थीक थवा माँड्यू छे अने पेननी सपाटी पण छोड़वा माँड्यू छे। हजू पण आना करता आपणाने थीक मिश्रणनी जरूर छे, तो आपणे आ रीतना कंटीन्यूअस तेने हलावता रहीशुं। तमे अहीं जोई सको छो दूध माथी पाणीनो बधो ज भाग बळी गयो छे अने एनु एक स्मूथ टेक्स्चर बनीने तैयार थयो छे। आ स्टेज उपर आपणो जे मावो छे ए बनीने तैयार छे। हवे आपणे तेनी अंदर खांड एड करीशुं। आपणे आने वधारे कूक नथी करवानुं, गैसनी फ्लेमने आपणे पहेला स्लो करी देशुं। आ मिश्रणने बनावता मीडियम फ्लेम उपर मने 45 मिनिट्स लागी हती। तेमा आपणे 2 टेबलस्पून खांड एड करीशुं। अहीं जे नॉर्मल खांड आवे एने मैं मिक्सर में दड़ी अने आ रीतनी पीसी लीधी छे। तमे दड़ेली खांडनो पण यूज करी सको छो अने तमने जे रीतनुं गळ्युं भावे ए रीतना खांडनुं प्रमाण वधतुं ओछुं करी सको छो। तेने एक वक्त सरस रीते मिक्स करी देशुं। खांडने आपणे ओगळवा देवानी छे। तेमा फ्लेवर माटे चपटी इलायचीनो पाउडर एड करी देशुं। तेने पण आपणे एक वखत सरस रीते मिक्स करी देशुं। तमे जोई सको छो खांड सरस रीते ओगळी गई छे, अन्नु एक स्मूथ टेक्स्चर तैयार थयुं छे अने आ रीतनुं पेननी सपाटी पण छोड़वा लाग्युं छे अने एक हलवानी कंसिस्टन्सी में आई गयुं छे। आ स्टेज उपर आपणे गैसनी फ्लेमने ऑफ करी देशुं। खांड ओगळता अहीं मने मीडियम फ्लेम उपर 2 થી 3 મિનિટ लागी हती। हवे तेने आपणे एक प्लेट में काढी लईशुं। मिश्रण ने अहीं मैं एक प्लेट में काढ़ी लीधुं छे। एने सहेज ठंडू थवा देशुं, पण ज्यारे ए असिकुं होय त्यारे ज आपणे तेना पेड़ा वाढीशुं। तो एना माटे अहीं मैं एक बाउल में 1 टेबलस्पून जेटलुं घी लई लीधुं छे। हाथ उपर आपणे थोड़ा घीना ड्रॉप्स लई लईशुं अने आ रीतना हाथने आपणे ग्रीस करी लईशुं। पछी तमारे जे साइजना पेड़ा बनावाना होय एटलू अमाउंट आ रीतना हाथ में लई लईशुं अने एक वक्त एने थोड़ूक मसळी लईशुं। पछी आपणे तेनो गोल बॉल बनावी देशुं। आ रीतना अंगूठानी मददथी पछी आ रीतना वच्चे थोड़ूक प्रेस करी लईशुं। तेनी उपर आ रीतना पिस्ताथी गार्निश करी लईशुं। सेम आवी ज रीतना आपणे बधा ज पेड़ा तैयार करीशुं। तो अहीं आपणा बधा ज पेड़ा बनीने तैयार छे।
હું તમને અહીંયા એક પેડો હાથમાં લઈને બતાવું, તમે જોઈ શકો છો આ રીતના એનું સ્મૂથ ટેક્સચર આવ્યું છે, બિલકુલ મીઠાઈવાળાની દુકાનને ત્યાં મળે એ રીતના એકદમ સ્મૂથ ટેક્સચર બનીને તૈયાર થયું છે. ટેસ્ટમાં પણ બહુ સરસ થયા છે, મોઢામાં મૂકતા ઓગળી જાય એ રીતના સોફ્ટ બન્યા છે. આ રક્ષાબંધન પર આ દૂધ પેડાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી. વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો એને લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. ફરીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.